हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलबी नवाबों का जायका। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो ये वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग मामू के इधर थे तो फिर सुबह का जो एकदम बादल जैसे हो गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा था हम लोग को और पूरा रेनी जैसा हो गया था। और वहाँ पर मेरे मामू कबूतर लोग को खाना भी डालते तो फिर सब कबूतर आए थे और सब लोग खाना भी खा रहे थे उन लोग दाने। फिर वहाँ पे हम लोग का लास्ट डे भी था। फिर हम लोग ने नाश्ता वगैरह करे और अपने घर के लिए निकल गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की वीडियो है और मैंने वहाँ से नल बाज़ार से मैंने ड्रेस ली थी। तो ये मैंने कुर्ती ली थी और इसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी का देख के वर्क और इसका कलर भी अच्छा लग रहा, पिंक और ब्लैक जैसा अच्छा लग रहा था। और मैंने वहाँ पे पैंट ली थी 250 रुपये की और पूरा लेस वगैरह का वर्क है इसके ऊपर और इलास्टिक इतनी कंफर्टेबल है पैंट की तो बहुत अच्छी लग रही। तो फिर मैं सोची कि चलो फिर आज ये ड्रेस पहन लूँ। तो ये मैंने वहाँ से कुर्ती और पैंट ली थी। कुर्ती मुझे कुछ 250 की मिली थी और पैंट भी मुझे 250 की मिली थी। तो मेरा 500 के अंदर पूरा ड्रेस रेडी हो गया था और फिर मैंने वेयर कर ली थी ड्रेस को और इतना कंफर्टेबल इतना अच्छा लग रहा था तो मैं सोची चलो एक वीडियो भी इसके साथ में बना लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी दीदी के घर पे जा रही हूँ। और आप लोगों को मैं कभी बोलती जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट मेरी रेसिपीज़ वगैरह के अंदर, तो ये मैंने चिली ले ली थी ग्रीन कलर की लाइट और इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का मैं अभी ऐड करके सबका एक साथ में पेस्ट बना लूँगी। और मैं पेस्ट में क्या करती हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट भी डाल के रख देती जिससे स्मेल भी नहीं आती और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मसाले वाली दाल बनाने की तैयारी हो रही थी। तो फिर मैंने कांदे को अच्छी तरह से ब्राउन थोड़ा सी कर ली थी और इसके अंदर भी मैंने नमक भी डाल दी थी और जो मैंने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और फिर मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं इसके अंदर टर्मिक पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सी एवरेस्ट का मीट मसाला डाल के और जो मैंने दाल भिगो के रख दी थी अच्छे से वॉश करके टमाटर अंदर काट के, तो वो दाल मैं क्या कर दूँगी इसके अंदर डाल के 3 सीटी बजा लूँगी और फिर इसको मैं खोल के देखूँगी और एक तरह से अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी तो फुल मेरे एकदम दाल रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए फिर मेरी दाल बन के रेडी थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और इसके साथ में मैंने प्लेन राइस बनाई थी और मैंने कैरी की चटनी भी बनाई थी। तो फिर जो कैरी की गुटली रह जाती ना वो मैंने दाल के अंदर दाल के 1 सीटी उसकी लगा ली थी तो दाल भी हम लोग की थोड़ी सी मस्त खट्टी खट्टी हो गई थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने बनाई थी कैरी की चटनी और अपना खट्टी सी दाल और प्लेन राइस, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर इंशाल्लाह घर पे ट्राई करें, अच्छी बनती है और प्लेन भी रहती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। गर्मी वगैरह के टाइम पे थोड़ा ऐसा खाना चाहिए लाइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मेरी रेसिपी जो मैंने बनाई थी वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अमृत नगर का जो मार्केट है वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे थोड़ा मेरी दीदी को थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, अभी वो जाने भी वाली है उसके घर पे, तो फिर उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे देख रहे थे। और फिर वहाँ से मैंने मेहंदी भी ले ली थी तो मैंने मेहंदी भी हाथ में लगा ली। और बस इतनी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग आप तक ईजीली पहुँच सके।